आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, झारखंड हाई कोर्ट में आज जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। पिछले दफ़े भी लालू प्रसाद यादव की सुनवाई टल गई थी और इस वक्त जो बड़ी खबर रांची हाई कोर्ट से निकल कर आ रही है उसके मुताबिक भी सुनवाई टल गई है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें दिल्ली में भर्ती कराया गया है, उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से जो है लोग आरजेडी के समर्थक आरजेडी के चाहने वाले ये सोच रहे थे कि आज लालू प्रसाद यादव को बेल मिलेगी, लेकिन जो है एक बार फिर से निराशा हाथ लगा है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुनवाई टल गई है। आज इस मामले में सुनवाई एक बार फिर से टली है। लालू की जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया है। लालू यादव को पहले दिन जो दो मामलों में जमानत मिल चुकी है उन मामलों में भी सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने जमानत रद्द करने के लिए आधार दिया है। इस मामले में पहले ही लालू यादव को नोटिस जारी किया जा चुका है। आज झारखंड हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल तक लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है। लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए 11 मार्च तक का समय दिया था। लालू यादव के वकील प्रभात कुमार का कहना है कि अब तक सीबीआई की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया गया है, लिहाजा आज इस मामले में हाईकोर्ट में सीबीआई को काउंटर एफिडेविट के लिए अंतिम मौका दिया गया है और यही वजह है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अभी थमी नहीं हैं। अभी भी लालू प्रसाद यादव को जेल में ही रहना होगा। फिलहाल आरजेडी 10 सर्कुलर रोड रावड़ी आवास का नज़ारा पूरी तरह से सन्नाटा, चूँकि पिछले दफ़े जब लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली थी तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे, लेकिन आज 10 सर्कुलर रोड सन्नाटा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव को अभी भी जेल में रहना होगा। तबीयत खराब है, उन्हें रांची रिम्स में शिफ्ट किया गया था पहले और फिर अब उन्हें दिल्ली भेजा गया था एयर एम्बुलेंस से। वहाँ दिल्ली में डॉक्टर्स की टीम लगातार लालू प्रसाद के तबीयत को लेकर के मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन जो बड़ी खबर मिली उसके मुताबिक अभी इंतज़ार करना होगा। 22 अप्रैल को एक बार फिर से सुनवाई होगी, तब पता चलेगा कि आरजेडी सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को जेल होगी या फिर उन्हें बेल मिलेगा। वो बाहर आएंगे, बिहार आएंगे, अपने समर्थकों के बीच होंगे। और 11 मार्च को जो है सीबीआई को काउंटर फाइल करने के लिए टाइम दिया गया था, उन लोग ने आज तक काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल किया। कोर्ट से प्रेयर किया कि एक लास्ट चांस दिया जाए तो फाइल द काउंटर एफिडेविट। कोर्ट ने उनके दलील को मानते हुए उनको एक हफ्ता का समय दिया है और केस को 22 तारीख को फिक्स किया है हियरिंग के लिए। जी 22 अप्रैल को। हाँ 22 अप्रैल को। तो क्या सीबीआई लास्ट अपना काउंटर फाइल करेगा? लास्ट चांस कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने लास्ट चांस दिया है काउंटर एफिडेविट फाइल करने। प्रभात जी, क्या आपको नहीं लगता है कि इंटेंशन माला फैट दिखाई जा रहा है सीबीआई का? हाँ, बाकी लोगों पर तो ऑब्जेक्शन नहीं किया, ताकि दो तीन आदमी का जिनका हाफ सेंटेंस का जो सर्टिफाइड कॉपी लगाए हुए थे उन लोगों को कोर्ट ने उन लोग पर ऑब्जेक्शन नहीं किया सीबीआई वाले ने, केवल लालू जी के केस में ही उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है। बाकी तीन चार व्यक्तियों को आज मेल हुआ जो कि लोअर कोर्ट का सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर सीट का लगाए हुए थे और हम लोग भी अपने पूरा सर्टिफाइड कॉपी लगाए हुए थे, पर कोर्ट पर ऑब्जेक्शन किया और बोला कि हम काउंटर फाइल करेंगे। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।